आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं तथा अपने आत्मा को सबके हृदय में विराजमान देखकर स्वाभाविक ही सबकी भलाई करते हैं, वे ही मुनियों के सर्वस्व भगवान मेरे सहायक हैं। वे ही मेरी गति हैं, न उनकी जन्म कर्म है और न राम रूप, फिर उनके संबंध में गुण और दोष की तो कल्पना ही कैसे की जा सकती है। फिर भी विश्व की सृष्टि और संहार करने के लिए समय समय पर वे उन्हें अपनी माया से स्वीकार करते हैं। उन्हीं अनंत शक्तिमान सर्वेश्वर्यमय परम ब्रह्म परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। वे अरूप होने पर भी बहुरूप हैं, उनकी कर्म अत्यंत आश्चर्यमय है। मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ। स्वयं प्रकाश सबके साक्षी परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मन वाणी और चित्त से अत्यंत दूर हैं, उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। विवेकी पुरुष कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा अपना अंतःकरण शुद्ध करके जिन्हें प्राप्त करते हैं तथा जो स्वयं तो नित्य मुक्त परमानंद एवं ज्ञान स्वरूप हैं, दूसरों को केवल मुक्ति देने की सामर्थ्य भी केवल उन्हीं में है, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। जो सत्व रज तम इन तीन गुणों का धर्म स्वीकार करके क्रमशः शांत घोर और मूढ़ अवस्था भी धारण करते हैं, उन भेद रहित समभाव से स्थित एवं ज्ञान घन प्रभु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप सबके स्वामी समस्त क्षेत्रों के एकमात्र ज्ञाता एवं सर्व साक्षी हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप स्वयं ही अपने कारण हैं, पुरुष और मूल प्रकृति के रूप में भी आप ही हैं, आपको मेरे बार बार नमस्कार हैं। आप समस्त इंद्रिय और उनके विषयों की दृष्टा हैं, समस्त प्रतीतियों के आधार हैं, अहंकार आदि छाया रूप असत वस्तुओं के द्वारा आपका ही अस्तित्व प्रकट होता है। समस्त वस्तुओं की सत्ता के रूप में भी केवल आप ही भास रहे हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सबके मूल कारण हैं, आपका कोई कारण नहीं तथा कारण होने पर भी आप में विकार या परिणाम नहीं होता, इसलिए आप अनोखे कारण हैं, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। जैसे समस्त नदी झरने आदि का परम आश्रय समुद्र है, वैसे ही आप समस्त वेद और शास्त्रों के परम तात्पर्य हैं। आप मोक्ष स्वरूप हैं और समस्त संत आपकी ही शरण ग्रहण करते हैं, अतः आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जैसे यज्ञ के काष्ठ अरिणी में अग्नि गुप्त रहती है, वैसे ही आपने अपने ज्ञान को गुणों की माया से ढक रखा है। गुणों में क्षोभ होने पर उनके द्वारा विविध प्रकार की सृष्टि रचना का आप संकल्प करते हैं। जो लोग कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा आत्म तत्व की भावना करके वेद शास्त्रों से ऊपर उठ जाते हैं, उनकी आत्मा के रूप में आप स्वयं ही प्रकाशित हो जाते हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जैसे कोई दयालु पुरुष फंदे में पड़े हुए पशु का बंधन काट दे, वैसे ही आप मेरे जैसे शरणागतों की फांसी काट देते हैं। आप नित्य मुक्त हैं, परम करुणा में हैं और भक्तों का कल्याण करने में आप कभी आलस्य नहीं करते। आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। समस्त प्राणियों के हृदय में अपने अंश के द्वारा अंतरात्मा के रूप में आप उपलब्ध होते रहते हैं। आप सर्वेश्वर्यपूर्ण एवं अनंत हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जो लोग शरीर पुत्र गुरुजन ग्रह संपत्ति और स्वजनों में आसक्त हैं, उन्हें आपकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है, क्योंकि आप स्वयं गुणों की आसक्तियों से रहित हैं। जीवन मुक्त पुरुष अपने हृदय में आपका निरंतर चिंतन करते रहते हैं, उन ऐश्वर्यपूर्ण ज्ञान स्वरूप भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। अर्थ धर्म काम और मोक्ष की कामना से मनुष्य उन्हीं का भजन करके अपनी अविष्ट वस्तु प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, वे उनको सभी प्रकार का सुख देते हैं और अपने ही जैसा अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं। वे ही परम दयालु प्रभु मेरा उद्धार करें, जिनकी अनन्य प्रेमी भक्तजन उन्हीं की शरण में रहते हुए उनसे किसी भी वस्तु की जहाँ तक कि मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते, केवल उनकी परम दिव्य मंगलमयी लीलाओं का गान करते हुए आनंद के समुद्र में निमग्न रहते हैं। जो अविनाशी सर्वशक्तिमान अव्यक्त इंद्रियातीत और अत्यंत सूक्ष्म हैं, जो अत्यंत निकट रहने पर भी बहुत दूर जान पड़ते हैं, जो आध्यात्मिक योग अर्थात ज्ञान योग या भक्ति योग के द्वारा प्राप्त होते हैं, उन्हीं आदि पुरुष अनंत
एवं परिपूर्ण परम ब्रह्म परमात्मा की मैं स्तुति करता हूँ, जिनकी अत्यंत छोटी कला से अनेकों नाम रूप के भेदभाव से युक्त ब्रह्मा आदि देवता वेद और चराचर लोकों की सृष्टि हुई है। जैसे धधकती हुई आग से लपटे और प्रकाशमान सूर्य से उनकी किरणें बार बार निकलती और लीन होती रहती हैं, वैसे ही जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा ने बुद्धि मन इंद्रिय और शरीरम जो गुणों के प्रभाव रूप हैं बार बार प्रकट होते हैं तथा लीन हो जाते हैं, वे भगवान न देवता हैं और न असुर, वे मनुष्य और पशु पक्षी भी नहीं है, ना वे स्त्री हैं, न पुरुष और न दंपुष्यक, वे कोई साधारण या असाधारण प्राणी भी नहीं है, न वे गुण हैं, न कर्म न कार्य और न तो कारण ही। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बचा रहता है वही उसका स्वरूप है तथा वे ही सब कुछ हैं, वे ही परमात्मा मेरे उद्धार के लिए प्रकट हों। मैं जीना नहीं चाहता, ये हाथी की योनि बाहर और भीतर सब ओर से ज्ञान रूप आवरण के द्वारा ढकी हुई है, इसको रखकर करना ही क्या है। मैं तो आत्म प्रकाश से ढकने वाले उस अज्ञान रूप आवरण से छूटना चाहता हूँ जो काल क्रम से अपने आप नहीं छूट सकता, जो केवल भगवत कृपा अथवा तत्व ज्ञान के द्वारा ही नष्ट होता है। इसलिए मैं उन परम ब्रह्म परमात्मा की शरण में हूँ जो विश्व रहित तो होने पर भी विश्व की रचयिता और विश्व रूप है, साथ ही जो विश्व की अंतरात्मा के रूप में विश्व रूप सामग्री से क्रीड़ा भी करते रहते हैं, वह जन्मा परम पद स्वरूप ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। योगी लोग योगी के द्वारा कर्म कर्म वासना और कर्म फल को भस्म करके अपनी योग शुद्ध हृदय में जिन योगेश्वर भगवान का साक्षात्कार करते हैं उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आपकी तीन शक्तियाँ हैं, सत्व रज और तप की रागादि वेग असह हैं, समस्त इंद्रियां और मन के विषयों के रूप में भी आप ही प्रतीत हो रहे हैं, इसलिए जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है वे तो आपकी प्राप्ति का मार्ग भी नहीं पा सकते। आपकी शक्ति अनंत है, आप शरणागत वत्सल हैं, आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। आपकी माया अहम बुद्धि से आत्मा का स्वरूप ढक गया है, इसी से यह जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। आपकी महिमा अपार है, उन सर्वशक्तिमान एवं भाई और निधि भगवान की मैं शरण में हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित गजेंद्र ने बिना किसी भेदभाव से निर्विशेष रूप से भगवान की स्तुति की थी, इसलिए भिन्न भिन्न नाम और रूप को अपना स्वरूप मानने वाले ब्रह्मा आदि देवता उसकी रक्षा करने के लिए नहीं आए। उस समय सर्वात्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप स्वयं भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। विश्व के एकमात्र आधार भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, अतः उसकी स्तुति सुनकर वेद में गरुण पर सवार हो चक्रधारी भगवान बड़ी शीघ्रता से वहां के लिए चल पड़े, जहां गजेंद्र अत्यंत संकट में पड़ा हुआ था। उनके साथ स्तुति करते हुए देवता भी आए। सरोवर के भीतर बलवान ग्रह ने गजेंद्र को पकड़ रखा था और वे अत्यंत व्याकुल हो रहा था। जब उसने देखा कि आकाश में गरुड़ पर सवार होकर हाथ में चक्र लिए भगवान श्री हरि आ रहे हैं, तब अपनी सूंड में कमल का एक सुंदर पुष्प लेकर उसने ऊपर को उठाया और बड़े कष्ट से बोला, नारायण, हे जगत गुरु भगवान, आपको नमस्कार है। जब भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, तब एक बारगी गरुड़ को छोड़कर कूद पड़े और कृपा करके गजेंद्र के साथ ही ग्राहक को भी बड़ी शीघ्रता से सरोवर से बाहर निकाल लाए। फिर सब देवताओं के सामने ही भगवान श्री हरि ने चक्र से ग्राहक का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को छुड़ा लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलिए श्रीमद भागवत महापुराण की जय, भोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए भक्त वृंदो, श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद में चौथे अध्याय गज और ग्रह का पूर्व चरित्र तथा उनका उद्धार का चरित्र श्रवण करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उस समय ब्रह्मा शंकर आदि देवता ऋषि और गंधर्व श्री हरि भगवान के इस कर्म की प्रशंसा करने लगे तथा उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी।
स्वर्ग में दुंदुवियां बजने लगी, गंधर्व नाचने लगे, ऋषि चारण और सिद्ध गण भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करने लगे। इधर वह ग्रह तुरंत ही परम आश्रम में दिव्य शरीर से संपन्न हो गया। यह ग्रह, इसके पहले हुहु नाम का एक गंधर्व था, देवल के शाप से उसी यह गति प्राप्त हुई थी। अब भगवान की कृपा से वह मुक्त हो गया। उसने सर्वेश्वर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। इसके बाद वह भगवान के सुयश का गान करने लगा। वास्तव में अविनाशी भगवान ही सर्वश्रेष्ठ कीर्ति से संपन्न है, उन्हीं की गुण और मनोहर लीलाएं गान करने योग्य हैं। भगवान की कृपा पूर्ण स्पर्श से उसके सारे पाप ताप नष्ट हो गए। उसने भगवान की परिक्रमा करके उनकी चरणों में प्रणाम किया और सबके देखते देखते अपने लोक की यात्रा को चल दिया। गजेंद्र भी